क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने क्या दिया, फाइंड करने के लिए यानी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 8 पार्ट है, हम बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को फुल देखिएगा ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या मिला फर्स्ट पार्ट में, 2/5 / 1/2। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक टिप्स बताते हैं। देखिए जो राइट साइड वाले नंबर है ना 1/2, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे आएगा, और यहाँ साइन भी चेंज हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। चलिए सोल्व करके दिखाते हैं। 2/5 है एडिटी, अब इस वाली टर्म को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। कैसे, 2 नीचे है तो ये जाएगा ऊपर, 1 ऊपर है तो ये आएगा नीचे, साइन भी चेंज करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब इतना समझ गए तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 है, 2 लिखेंगे, इनटू है इनटू, ऊपर क्या है फिर 2 अपॉन, नीचे क्या है 5 × 1, बस सॉल्व। देखिए 2 2 से क्या मिला 4, 5 × 1 = 5, फाइनली आंसर मिल गया हमें, ठीक है। सेकंड पार्ट भी देखते हैं। देखिए 4/9 / 2/3, वही काम करेंगे, 4/9। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है तो राइट साइड वाले नंबर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 देखिए यहाँ पे नीचे है तो ऊपर जाएगा, 2 ऊपर है तो ये आएगा नीचे, बस सॉल्व कीजिए। देखिए 4 है 4 × ऊपर क्या है 3, डिवाइड 9 है तो 9 × नीचे क्या है 2, बस सॉल्व कीजिए। 4 3 से क्या मिलेगा 12, 9 2 = 18, अब कैंसिल भी कर सकते हैं, तो देखिए कैंसिल करते हैं, 6 2 = 12, 6 3 = 18, तो फाइनली आंसर कितना मिला हमें, 2/3, ठीक है, बस सॉल्व है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या मिला, 3/7 / 8/7, वही काम करेंगे, 3/7 एडिटी, राइट साइड वाले नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 7 नीचे है तो ये जाएगा ऊपर, 8 ऊपर है ये आएगा नीचे। अब थोड़ा देखिए इसमें कोई कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर लेंगे। देखिए 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, अब पता ही लग गया फाइनली आंसर क्या मिलेगा। तो देखना क्या है, लिख दीजिए 3 3 लिखिए, नीचे कितना है 8, फाइनली आंसर हमें मिल गया, बस। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, ऊपर वाली संख्या 1 को ऐड कर लेंगे। देखिए 3 2 = 6 और 1 क्या मिल गया 7/3, नीचे कितना है 3, और राइट साइड वाले नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 5 नीचे है ऊपर गया, 3 ऊपर है नीचे आ गया, बस सॉल्व कीजिए। ऊपर क्या मिला 7 × 5, एडिटी लिखिए, डिवाइड 3 × 3, बस सॉल्व, 7 × 5 = 35, 3 3 = 9, फाइनली आंसर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं आप। तो देखिए फिफ्थ पार्ट क्या मिला, 3 1/2 / 8/3, सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी चेंज है नंबर, 2 से मल्टीप्लाई, 3 में 1 को ऐड करेंगे, 2 3 = 6 और 1 क्या मिल गया 7/2, डिवाइड है डिवाइड दीजिए, बचा क्या 8/3, बस सॉल्व करेंगे। राइट साइड वाले नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, ये नंबर आएगा 7/2 एडिटी, डिवाइड है जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 3 नीचे है तो जाएगा ऊपर, 8 ऊपर है ये आएगा नीचे, बस सॉल्व, 7 × 3 लिखिए यहां पे, डिवाइड 2 × 8, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 3 से क्या मिलेगा 21, 2 8 = 16, फाइनली आंसर, बस। सिक्स पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए सिक्स पार्ट में क्या मिला, 2/5 / 1/2, बस सॉल्व है। देखिए 2/5 / dt, डिवाइड है डिवाइड, 2 1 = 2, ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे, 2 1 = 2 और 1, 3/2, बस राइट साइड वाले नंबर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो 2/5 / dt, जब इस वाले नंबर को एडिट मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, साइन हमारा चेंज है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 2 नीचे है ऊपर गया, 3 ऊपर है तो नीचे आया, बस सॉल्व है, 2 × 2 = 2 edt, 5 × 3 सॉल्व है। देखिए 2 2 से क्या मिला 4, 5 3 = 15,
फाइनली आंसर सेवन पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेवन पार्ट क्या दिया, 3 1/5 / 1 2/3। सोल्व करते हैं, देखिए 5 से मल्टीप्लाई 3 से, 5 3 15 और 1 कितना मिलेगा 16/5। डिवाइड है, डिवाइड दीजिए, 3 1 3 और 2 कितना मिल गया 5/3। बस सॉल्व करते हैं, देखिए राइट साइड वाले नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो देखिए 16/5 है, डीटी लिखेंगे यहाँ पे, साइन हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे, तो देखिए डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 3 नीचे है तो ये जाएगा ऊपर, 5 ऊपर है तो ये आएगा नीचे। बस सोल्व है, देखिए 16 है, 16 इंटू 3 ऊपर है, 3 लिखेंगे डिवाइड, 5 इंटू 5। सोल्व कीजिए, देखिए 16 का टेबल पढ़िए 3 बार, कितना मिलता है 48। 16 3 48, 5 5 से क्या मिलेगा 25। फाइनली आंसर लास्ट पार्ट देखते हैं। चलिए 5 से मल्टीप्लाई किसमें, 2 में, 1 वाले नंबर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 5 2 जा कितना हुआ 5 2 जा 10 और 1 11/5 डिवाइड है डिवाइड, 5 1 जा 5 और 1 6/5। बस सोल्व है, देखिए 11/5 आईडीटी, राइट साइड वाले नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 5 नीचे है तो ऊपर गया, 6 ऊपर है तो नीचे आया, अब कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 5 कैंसिल है, 5 1 जा 5 5 1 जा 5। फाइनली आंसर क्या मिल गया, पता भी लग गया होगा आपको, 11/6। तो लिख दीजिए यहाँ पे 11/6, ये फाइनली आंसर है। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।